हिमाचल बीजेपी ने 25 जून 1975 की इमरजेंसी को याद करते हुए आज 25 जून का दिन हिमाचल प्रदेश में काली दिवस के रूप में मनाया। सिरमौर जिला मुख्यालय में भी बीजेपी ने सूक्ष्म कार्यक्रम आयोजित किया। मीडिया से बात करते हुए जिला अध्यक्ष सिरमौर बीजेपी विनय गुप्ता ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी गद्दी को बचाने के लिए देश भर में इमरजेंसी लागू की थी और कई हजारों लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया। उन्होंने कहा कि उस समय तानाशाही तरीके से पूरे देश को एक जेल में परिवर्तित कर दिया गया था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कई नेताओं को भी जेलों में बंद कर दिया गया था, जिनमें हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले भी कई लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि उस दौरान अभिव्यक्ति की आजादी को भी छीना गया और कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई। आज सारा देश आज के दिवस को काले दिवस के रूप में मना रहा है। 25 जून 1975 को स्वर्गीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था और पूरे देश को एक जेल में परिवर्तित कर दिया था। अभिव्यक्ति की आज़ादी समाप्त कर दी गई थी, नागरिक अधिकारों से सभी को वंचित कर दिया गया था। ना उन दिनों समाचार छपते थे, छापे खाने बंद कर दिए गए थे, हजारों लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया था और केवल इसलिए क्योंकि श्री राजनारायण जी की याचिका पे श्री इंदिरा गांधी जी का लोकसभा का चुनाव इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था, उनको अयोग्य घोषित कर दिया था। अपनी गद्दी बचाने के लिए उन्होंने पूरे देश को एक कारागार में तब्दील कर दिया था। पूरा देश त्राही त्राही कर उठा था, कहीं किसी किस्म की भी आजादी नहीं थी। पूरा पुलिस राज पूरे देश में हो गया था, जिसको देखते थे मारपीट कर दिया करते थे, जिसको देखते थे उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़े ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।